नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लिखे ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए सूचना लेकर आए हुए हैं, जिससे कि आप लोगों को पता होगा कि आपके बिहार कर्मचारी चयन आयोग डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी सूचना बहुत पहले भी आ चुकी थी, तो दोस्तों आज इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे जो इसकी ऑफिशियल नोटिस आई हुई है, क्या जानकारी उसमें नोटिस में बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग हम पहले नोटिस की कुछ बातें आपको बता देते हैं, क्योंकि किसी भी जॉब को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ऑफिशियल पीडीएफ को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आप लोग कहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर आपको एक नोटिस प्रोवाइड की गई, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवाइजमेंट नंबर। आप लोग देख पा रहे हैं ये एडवाइजमेंट नंबर जरूर देख लीजिएगा, जो विज्ञापन संख्या होती है ये बहुत ही जरूरी होती है स्टेनोग्राफर यहां पर दिया गया। चलिए यहां पर आप क्लिक कर देते हैं, और हमने नोटिस को पहले से डाउनलोड कर रखा है, डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। इस तरह से कुछ आपकी नोटिस ओपन होकर आ जाएगी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहां पर दिया गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर रजिस्ट्रेशन के क्या है कि रजिस्ट्रेशन दिनांक दिया गया 7/3/2019। आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर रजिस्ट्रेशन का दिनांक है। उसके बाद कुल रिक्तियां यहां पर 326 बताई गई है। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहां पर डिवाइड की गई है आपकी वैकेंसी, आप लोग देख पा रहे हैं जो भी कास्ट वाइज है यहां पर डिवाइड है वैकेंसी, इस तरह से आप लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं नीचे आएंगे तो शैक्षणिक योग्यता, आपका जो योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट होनी चाहिए। और तकनीकी योग्यता क्या है कि अश्लेखन एवं कंप्यूटर टंकण यानी कंप्यूटर टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग के ज्ञान भी होने चाहिए। और आप लोग वेतन के देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया 5200 से 20200 रुपये, एवं ग्रेड पे भी आपको 2400 रुपये दिया जाएगा, और उम्र सीमा 1/8/2006 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों जो आयु न्यूनतम 18 वर्ष के आपको होना चाहिए, और अधिकतम आयु आप लोग देख पा रहे हैं यह भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड की गई, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जनरल का 37 वर्ष रखा गया, अनुरक्षित वर्ग महिला का 40 वर्ष रखा गया है, इस तरह से सभी का दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग नीचे आएंगे, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, आपकी लिखित परीक्षा की जाएगी। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं लिखित परीक्षा में जो भी 5 गुना सफल अभ्यर्थियों को, आप लोग देख पा रहे हैं जो भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, तो लिखित परीक्षा में उनसे पास हुए 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग, 5 गुना अभ्यर्थियों को, और उनका फिर व्यवहारिक जाँच परीक्षा में सफल उनका व्यवहारिक जाँच परीक्षा लिया जाएगा। फिर व्यवहारिक जाँच परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के, यानी व्यवहारिक जाँच परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होंगे और जो लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए होंगे उनकी मेरिट सूची यानी अंतिम मेघा सूची यहां पर तैयार की जाएगी। और आप लोग देख पा रहे हैं लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं जो आपकी लिखित परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या यहां पर देख पा रहे हैं 50 होगी, और सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी। मानसिक क्षमता यानी आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर जो भी रीजनिंग होगी और उसका भी यहां पर 50 होगा, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। और यहां पर सब्जेक्ट भी बताया गया है, कौन से सब्जेक्ट से लिखित परीक्षा का सिलेबस जो बताया गया है, कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां पर बताया गया है। उसके बाद आप लोग फिर नीचे आएंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं, और यहाँ पर व्यवहारिक जांच परीक्षा के बारे में कुछ बातें बताई गई, आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्या बातें यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया, जो जनरल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 40% और पिछड़ा वर्ग 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह से आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर पासिंग मार्क आपके लिए बताया गया है, महिला वर्ग के लिए 32% रखा गया है। और अब इम्पॉर्टेंट बात जो परीक्षा शुल्क है आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है, जो जनरल कैंडिडेट होंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 600 रुपये आप लोग देख पा रहे हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सिर्फ बिहार के जो निवासी होंगे उनके 150 रुपये होगी। और ऑल इंडिया दोस्तों, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आप बिहार के जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आप वहाँ पर जनरल कैटेगरी में रखे जाएंगे, और आपका जो एग्जाम फी होगी वो भी 600 रुपये ही होगी। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ बातें और भी बताई गई, आप लोग देख लीजिएगा जो भी ऑनलाइन पे करने के बारे में बताया गया है, पेमेंट वगैरह के बारे में, इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इस तरह से आप नीचे आते जाएंगे तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर जो अंतिम तिथि बताई गई है आप लोग देख पा रहे हैं 7/3/2019 से यहाँ पर स्टार्ट किया गया हो, 6/4/2019 11:59 तक सर्वर टाइम तक निर्धारित रहेगा, आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करते हैं तो सबमिट करने से पहले आप लोग प्रिंट प्रीव्यू जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो उसके बाद आप लोग सुधार नहीं कर सकते हैं फॉर्म में, तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोग एडिट ऑप्शन पर जाकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा
फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कोई भी मिस्टेक हुआ है तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, अब आपको बताते हैं आपको कहाँ से फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर डेट दी गई है 15/3/2019 और ये विज्ञापन संख्या आपकी दी गई और यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक, लिंक टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडवाइटमेंट नंबर इतना देख पा रहे हैं स्टेनोग्राफर, आपको यहीं पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरह का नया पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ी देर आप वेट कीजिए, नया पेज ओपन हो रहा है और उसके बाद फिर आप लोग देख पा रहे हैं जब लिंक पर क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह का नया पेज ओपन हो जाएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सिंपली यहाँ से आप लोग लॉगिन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और क्या है कि इंटर इमेज नंबर डालकर जो यहाँ पर कैप्चर कोड दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे करना है, तो आपको यहीं पर सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का, और आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है अपना, और कैंडिडेट मिडिल नेम, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम। तो दोस्तों लास्ट नेम और फर्स्ट नेम इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए आप किसी का नाम रोशन कुमार, तो कुमार जो है लास्ट नेम में आ जाएगा, यहाँ पर डाल लीजिएगा वो रोशन यहाँ पर, और मान के चलिए रोशन कुमार सिंह है तो फिर कुमार जो है मिडिल में आएगा और सिंह लास्ट में आएगा। तो इस तरह से आप लोग इन बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके फादर का नेम है, फिर मदर का नेम है देख रहे हैं, और जेंडर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी वो भी वही डालना जो दुरुस्त हो, अच्छे से चल रही हो, उसके बाद सबमिट कर देना। हम आपको रजिस्टर करके दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या है कि पूरा डिटेल भर लिया, उसके बाद आप सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या होता है कि ओटीपी आती है कि नहीं आती है। तो चलिए हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर आप वेट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर ओटीपी का वेट कर रहे हैं हम, ओटीपी आती है कि नहीं आती है तो देखते हैं। दोस्तों अभी तक ओटीपी नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अगर जब भी ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म अच्छे से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, हम आपको फिर से वीडियो बनाकर सूचित कर देंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम आपको बता दें हमने ऐसा पता किया था तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल मंडे से फॉर्म अच्छे से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी जानकारी होगी दोस्तों हम आगे आपको बता देंगे, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। फिर आप आगे जाएंगे तो आपको क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कम्प्लीट हो जाएगा, फिर आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, उसके बाद फिर आपसे क्या है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, उसके बाद क्या है कि आपका फ़ोटो और वो जो सिग्नेचर होगा उसको मांगा जाएगा, उसके बाद फिर आपका फाइनलाइज सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो आप फाइनलाइज सबमिट करने से पहले आप लोग फॉर्म को एडिट करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में अगर आप सबमिट कर देते हैं आपके फॉर्म में सुधार नहीं किया जाएगा। और सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ऑनलाइन अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ पर आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।